सदाशिवसमारूढां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमव्याप्तिर्दक्षिणामूर्तये नमः श्रीचिद्घनगणेशाय नमो ॐ सुखं नित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नामष्टानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्तृप्यते वेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। आगे नव्य न्याय का मत कहते हैं कि अन्यथा ख्याति जो प्राचीन नैयायिकों की ख्याति का ख्यातिवाद है, तो नव्य न्याय क्या कहता है कि जे अन्यथा माने अन्यत्र जो दर्शन हो रहा है सर्प का या शुक्तिका में रजत का, रजत है दुकान में और दिख रहा है आपके सामने, ये नहीं हो सकता। इसके लिए अत्र नव्य नैयायिक का चिंतामणि कार, मतलब चिंतामणि कार करके जो नव्य न्याय के रचिता है, तो यहाँ पे तीसरा टिप्पण देते हैं। चिंतामणि कार मते एकस्य वस्तुना रूपांतरेण भासमानता भ्रांतिरिति कथ्यते अयमेव ज्ञानाध्यास। तो प्राचीन मत में हमने देखा ज्ञान का अध्यास नहीं होता, वस्तु का अर्थ का अध्यास हो जाता है। तो और वो नहीं मानते कि अर्थाध्यास और ज्ञान अध्यास ऐसे जो सिद्धांत में भेद किया है वो नहीं मानते। इसका अर्थ आगे समझाएंगे, ग्रंथकार समझाएंगे। तो चिंतामणि कार जो है, जो चिंतामणि का जिन्होंने रचना की नव्य न्यायिक, वो कहते हैं कि एक ही वस्तु रूपांतरेण भासमानता, एक ही वस्तु का अन्य रूप से भान होना उसी को भ्रांति कहते हैं, और इसको सिद्धांत में क्या कहते हैं, ज्ञानाध्यास। दोष सहित चक्षुषा वल्मीकि गत सर्पो यदि दृश्येत तर्हि मध्यस्थ पदार्थांतर दर्शनम अपि आपद्यते। पहले हमने देखा था कि यदि सर्प वल्मीक में सर्प है और दिख रहा है आपके सामने, या दुकान में रजत है और दिख रहा है आपके सामने, तो बीच में जो है वो सब दिखना चाहिए। मध्यस्थ पदार्थांतर, भिन्न भिन्न पदार्थ जो है सर्प को छोड़कर या रजत को छोड़कर बीच में दुकान और या तो वाल्मीकि और अपने सामने बीच में जो जो पदार्थ है अन्य, उनका भी दर्शन होना चाहिए। अगर दूरस्थ सर्प या दूरस्थ रजत का दर्शन हो रहा है तो यहां पर तस्माद् व्यवहितं वस्तुना नेत्रेण गृह्यते होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि जो दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु का दर्शन नहीं होता है, नेत्र से उसका ग्रहण नहीं होता है, किंतु दुष्ट नेत्र से रज्जु न स्वस्वरूपेण भासते, भासते तो सर्पाद्याकारेण। किंतु क्या हो रहा है, वस्तुतः तो जो नेत्र दुष्ट है, दोष है नेत्र में, इस कारण क्या हो रहा है, रज्जु जो रस्सी है वो स्वस्वरूपेण माने अपने ही स्वरूप से रज्जु जैसे भान नहीं हो रहा है, किंतु क्या हो रहा है उसका, भासते तो सर्पाद्याकारेण, सर्प के आकार में उसका भान हो रहा है, दर्शन हो रहा है। तस्मात रज्जो हो अन्यथा माने प्रकारांतरेण सर्पाद्याकारेण ख्याति ही स्फुरणम अभिवदनं च अन्यथा ख्यातिरिति। तो क्या कहते हैं, अन्यथा ख्याति ही है किंतु अन्यथा माने अन्यत्र नहीं है, अन्य प्रकार से है, प्रकारांतरेण। ये रज्जु अन्य प्रकार से माने सर्पादि आकार से उसका भान हो रहा है, अभिवदन हो रहा है, स्फुरणम और अभिवदन, इसीलिए उसको क्या है कहते हैं अन्यथा ख्याति। इसके बाद सांख्याओं का और प्रभाकर मीमांसा का मत लेते हैं, क्या है वो, अख्याति। वो कहते हैं ख्याति है ही नहीं, दो ज्ञान हो रहे, एक तो क्या ही कि सामने जो इदम अंश है कि कुछ तो है सामने रज्जु, उसका इदम अंश दिख रहा है वो तो सत्य ही है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो प्रमारूप है, और कहीं किसी समय पर सर्प देखा था उसका स्मरण हो रहा है, और स्मरणात्मक जो ज्ञान है वो भी प्रमा ही है, भ्रांति नहीं है उसमें, तो इसलिए अख्याति कहते हैं। अख्याति मतलब पूर्वोक्त मतत्रय खंडन। तो तीन जो मत बताए पहले,
आत्मख्याति, असत्ख्याति और अन्यथा ख्याति, इन तीनों का खंडन कर कर पूर्व मीमांसक और सांख्य क्या करते हैं, वो अख्याति मत ठीक है करके कहते हैं। तत्र अख्यातिवादिनः अयम आशय, वो क्या कहते हैं अख्यातिवादी, वो कहते हैं असत्ख्याति मतरीत्या यदि असदपि प्रतीयेत तर्हि वंध्यापुत्र शशश्रृंगादयः अपि प्रतीयेरन्। अगर हम असत्ख्याति मानकर चले कि अगर ठीक है शून्यवादियों का, तो जो असत है उसका अगर दर्शन हो रहा है, उसका अगर अनुभव हो सकता है, तो वंध्यापुत्र का भी दर्शन हो जाए, शशश्रृंग भी दिख जाए, पर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए तथा प्रतीत्य भावात, वैसे प्रतीति न होने के कारण ऐसा अनुभव कभी आता नहीं है, इसीलिए क्या है असंगतम एव असत ख्याति मतम, इसीलिए असत ख्याति तो ठीक नहीं है। यदि क्षणिक विज्ञानवादी मत रीत्या प्रतिक्षणम अन्यथा भवंती बुद्धि सर्पाद्याकारतम आकरताम प्राप्नुयात तदा क्षणादूर्ध्वम तस्य सर्पस्य प्रतीतिर न स्यात्। फिर क्या कहते हैं कि क्षणिक विज्ञानवादी जो है बौद्ध, वो भी क्या कहता है, वो कहता है कि क्षणिक विज्ञान मतवादी मत रीत्या प्रतिक्षणम अन्यथा भवंती बुद्धि, कि बुद्धि क्या कि प्रतिक्षण वृत्ति ले रही है, उसी को वो क्षणिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान है पर क्या है कि क्षणिक है, चेतन जैसे भान होता है पर चेतन है नहीं वस्तुतः, क्षण में आता है और क्षण में चला जाता है, वैसे जो बुद्धि है क्षण में जो आती जाती बुद्धि है प्रतिक्षणम अन्यथा भवन्ति, भिन्न भिन्न हो रही है बुद्धि, और उसी को हम क्या विज्ञान कहते हैं और वो क्षणिक है। तो वो क्या कहते हैं सर्पाद्याकारताम प्राप्नुयात, अगर वो बुद्धि सर्प के आकार में अन्यथा ऐसे परिवर्तित तो हो रही है सर्प के आकार में, तदा क्षणादूर्ध्वम तस्य सर्पस्य प्रतीतिर न स्यात्। तो कहते हैं अगर वो क्षणिक है, सर्पादि आकार का जो विज्ञान है वो अगर क्षणिक है, तो उस क्षण के नष्ट होने के बाद तो सर्प को नष्ट होना चाहिए और सर्प की प्रतीति न नहीं होनी चाहिए दूसरे क्षण में, पर होती है। परंतु यावत भ्रम कालम सर्प प्रतीतिर अनुवर्तते, यावत भ्रम कालम, जब तक भ्रम का काल है, जब तक सर्प का भ्रम है, तब तक सर्प का दर्शन हो रहा है, इसीलिए तो हम भ्रम कहते हैं उसको। तस्माद आत्मख्याति मतम अपि अनुपादेयम एव, इसीलिए इसको भी नहीं मानना चाहिए आत्मख्याति को, क्षणिक विज्ञान किया जो उसी को आत्मा कहते हैं और उसकी ख्याति ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कभी अनुभव होता नहीं है कि एक क्षण में दिख गया दूसरे क्षण में नहीं है, किसी एक का नहीं, हर हर वस्तु का जो दर्शन हो रहा है वो एक क्षण में है दूसरे क्षण में नहीं, ऐसा अनुभव तो नहीं होता है, इसीलिए क्या है कि ये ठीक नहीं है। यहाँ पे कई चतुर्थ टिप्पण है, तो कहते हैं दोष बलाद अट्टस्थ रजतम यदि शुक्तौ भ्रांति देशे भासेत तदा आपणम तत्स्थ सुवर्णादि निखिलम वस्तु च दोष वशाद उपलभ्येत न चे एवं उपलभ्यते। ये पिछले पाठ में बतलाया था मैंने कि दोष बल से इंद्रियों का, ये अन्यथा ख्याति के बारे में कह रहे हैं कि जो अट्टस्थ रजत है, अट्टस्थ माने आपणस्थ या ऊपर ऊपर के माले में है, अट्ट कहते हैं उसको, या दुकान में है, दुकान का जो रजत है अगर उसका भान अगर शुक्तिका में हो रहा है भ्रांति देश में, तदा तब क्या होगा आपण आप दुकान भी और आपणम तत्स्थ सुवर्णादि निखिलम वस्तु च, कि दुकान और दुकान में जो जो अन्य रखा है सोना इत्यादि उसका भी दर्शन होना चाहिए, दोषवशात उपलब्ध कि इंद्रियों में दोष है तो उसका भी दर्शन हो जाए, पर नहीं होता है, इसीलिए अन्यथा ख्याति ठीक नहीं है। फिर अन्यथा ख्याति के बारे में क्या कहते हैं पूर्व मीमांसक और प्रभाकर, पूर्व मीमांसक और सांख्या, अन्यथा ख्याति है प्रथम प्रकार चिंतामणि कार मतेन खंडिता। तो अन्यथा ख्याति का खंडन तो नव्य न्यायिक ने ही कर दिया, प्राचीन तर्कियों का मत जो है चिंतामणि कार प्रदर्शित अन्यथा ख्याति प्रकारों की असंगत है, तो उन्होंने तो प्राचीन तार्किकों का मत का खंडन तो नव्य न्यायिक ने स्वतः कर दिया, तो अभी उनका उनकी जो अन्यथा ख्याति है प्राचीनों की नहीं, नव्यों की जो नव्य तार्किकों की जो अन्यथा ख्याति है वो भी ठीक नहीं है, तो उसका खंडन करते न्यायाधीनम ज्ञानम इति प्रसिद्धि, कि ज्ञान किसके अधीन होना चाहिए, ज्ञेय जो वस्तु है, जो
विषय है उसके अधीन ज्ञान होना चाहिए। उसमें हम अभी आपको कहेंगे कि देखिए बाहर वृक्ष दिख रहा है, हरा है कि लाल है? हरा है आप कह रही है। अभी कहेंगे कि उसको लाल देखिए, वो नहीं हो सकता। ज्ञान तो लाल उत्पन्न नहीं होता, अनुभव तो वैसा ही है जैसा हरा है। तो इसीलिए वस्तु तंत्र है ज्ञान, ज्ञान वस्तु तंत्र है। उसमें कोई इस प्रकार से ज्ञान उत्पन्न हो जाए, उस प्रकार से हो जाए, ऐसे उसमें क्या है कि कोई कह नहीं सकता कि भिन्न भिन्नों को भिन्न भिन्न अधिकार है चुनने का, ऐसा चुन नहीं सकते। ज्ञान चुन नहीं सकते, कर्म में चुन सकते हैं। भगवान भाष्यकर अध्यास भाष्य में कहते हैं कि कर्म को जैसे कहा है वैसे करे, भिन्न रीति से करे या नहीं करे। तो ऐसे जो चुन सकते हैं वो तो कर्म में ही चुन सकते हैं, किंतु वस्तु में नहीं चुन सकते, ज्ञान में। तो वस्तु के अधीन है वो, कर्ता के अधीन नहीं है। कर्म क्या है? कर्ता के अधीन है। कर्तुम शक्यते, अकर्तुम शक्यते, अन्यथा वा कर्तुम शक्यते करके कहते हैं। तो इसमें तो ज्ञान में तो ऐसा नहीं है, अन्यथा। तो इसीलिए जो अन्यथा ख्याति में अन्यथा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो तो नहीं हो सकता। इसीलिए क्या कहते हैं, ज्ञेयाधीनम ज्ञानम ही इति ही प्रसिद्धि। ज्ञेय के अधीन है ज्ञान, वस्तु तंत्र है। अत्र तु ज्ञेया रज्जु, रज्जु का रज्जु विषय है। ज्ञानम तु सर्प विषयकम इति सुतराम विरुद्ध मुच्यते। और ज्ञान क्या है? वो तो सर्प के विषय में है, ये तो ठीक नहीं है। तो आप जो अन्यथा हो रहा है कह रहे हैं कि रज्जु देख रहा है पर रज्जु ही सर्प जैसे भासित तो हो रहा है, ऐसे अन्यथा तो नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो तो रज्जु के जो ज्ञेय है उसके अधीन होना चाहिए। तो ज्ञान की जो वृत्ति है वो भी रज्जु की वृत्ति बननी चाहिए, सर्प की वृत्ति नहीं बन सकती, अन्यथा नहीं बन सकती है। इसीलिए सुतराम विरुद्ध मुच्यते, ये तो बिल्कुल विरुद्ध कह रहे हैं। तस्मात् चिंतामणि कार अभिमत अन्यथा ख्याते हे आदरा अनहरत्वा अख्यातिरेव शरणमिति सांख्या प्राभाकराश्च आहु। इसीलिए क्या कहते हैं कि बाकी जैसे दो मत है वैसे अन्यथा ख्याति भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञेय के अधीन तो नहीं है इनका, इनके ख्याति में ज्ञान इनके ज्ञेय के अधीन नहीं है। इसीलिए क्या, चिंतामणि कार का जो अभिमत अन्यथा ख्याति है नव्य नहीं आयु का, प्राचीनों का नहीं, वो भी उसका भी आदर ना करे और आदर नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है कि अख्याति का ही शरण लेना पड़ेगा, अंततो गत्वा करके सांख्य और प्राभाकर कह रहे हैं। अभी अख्याति मत है क्या? कह तो दिया पहले मोटा मोटा, पर वस्तुतः एक है क्या, कैसे चलता है? तो कहते हैं रज्जो अख्याति मत, रज्जो सर्पादि भ्रम दशायाम नेत्रम स्ववृत्ति द्वारा रज्ज्वा सह संयुज्य अयम इति रज्जो हो सामान्य ज्ञानम जनयति। तो क्या होता है, वो कहते हैं जो प्रक्रिया जैसे चल रही है उसमें कुछ अंश तो ठीक है, क्योंकि सिद्धांत में भी मानेंगे, कुछ अंश मानेंगे इसका, पर अख्याति करके नहीं मानेंगे। तो रज्जु में जो क्या कहते हैं कि सर्पादि भ्रम दश में नेत्र के द्वारा, नेत्रम स्ववृत्ति द्वारा, अपने नेत्र अपनी वृत्ति के द्वारा रज्जु के साथ संयोग कर लेते, इंद्रियों का संबंध होता है विषय के साथ। तो कैसे कहते, नेत्र का रज्जु के साथ संबंध हो गया, पर क्या हो गया, संयुज्य संयोग होने के बाद अयम इति रज्जो हो सामान्य ज्ञानम जनयति। तो नेत्र क्या ज्ञान उत्पन्न करता है, अयम यहां कुछ है ऐसे ज्ञान उत्पन्न करता है जब भी रज्जु के साथ जुड़ जाता है, तभी सामान्य ज्ञान है वो, कुछ तो है, पर रज्जु है करके ज्ञान उत्पन्न नहीं करता क्योंकि दोष है नेत्र में, ऐसे सिद्धांती मानेगा। पर अख्याति मत में क्या कहते हैं कि रज्जु के साथ नेत्र का तो संबंध हो रहा है और अयम ऐसे ज्ञान तो उत्पन्न हो गया कि कुछ है, और कुछ है कहेंगे तो ये तो कोई दोष नहीं है, ठीक है कुछ है, रज्जु है नहीं गए पर कुछ तो है कि नहीं है, तो कहते ठीक है ज्ञान। तदा सर्प स्मरण च जायते, और तब क्या हो रहा है कि सर्प का स्मरण उसी क्षण में हो गया जो देख रहा है उसको, नेत्र ने तो अयम करके ज्ञान उत्पन्न कर दिया, अरे कुछ है बाहर, और इसको सर्प का स्मरण हो गया, तब क्या हो गया, तथा अयम सर्प इति ज्ञानम जायते। तो अयम अंश जो नेत्र से जन्य है ज्ञान का और इसके स्मरण में जो सर्प आया है, वो दोनों मिलकर इसको अयम सर्प करके ज्ञान उत्पन्न हो गया, इति ज्ञानम जायते।
तत्र ग्रहण स्मरणात्मक ज्ञान द्वयम अस्ति। तो क्या कहती, कैसे ये देखिए, ग्रहण का एक ग्रहण से एक ज्ञान उत्पन्न हो गया अयम करके, अयम अंश, और स्मरणात्मक ज्ञान भी है दूसरा, तो इसलिए दो ज्ञान है वह एक साथ। अयम इति रज्जो सामान्य अंश प्रत्यक्ष ज्ञानम। तो ग्रहण क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष से इंद्रियों से ग्रहण जो हो रहा है वो अयम अंश हो रहा है रज्जु में। सर्प इति तु पूर्व अनुभूत सर्प से स्मरण रूपम अपरम ज्ञानम। और दूसरा अंश क्या है ज्ञान का, दूसरा ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या है कि सर्प करके स्मरण हो रहा है, पूर्व पहले जो अनुभव है उसका स्मरण हो रहा है सर्प का। इत्थम अयम सर्प इत्यत्र ज्ञानद्वयम् अस्ति। ऐसे क्या है कि दो ज्ञान है यहाँ पे, एक तो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है अयम कुछ है, और स्मरण हो रहा है अरे सर्प। तो सर्प का ज्ञान तो स्मरणात्मक है, वो तो भ्रमा नहीं है, भ्रांति नहीं है, वो तो प्रमा है। और प्रत्यक्ष में अयम अंश वो भी क्या है, प्रमा ही है, भ्रांति नहीं है, भ्रम नहीं है। तो क्या कहते हैं, सामान्य अंश जो है, अत्र अयम इति रज्जो सामान्य अंश ज्ञान से पूर्व अनुभूत सर्पस्मरण रूप ज्ञान से च परमार्थत्वे अपि। तो दोनों परमार्थ माने दोनों प्रमा रूप ही है कि रज्जु में जो सामान्य अंश अयम ऐसे ज्ञान हो रहा है वो ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है, और पहले जो अनुभव हो गया है सर्प का उसका स्मरण होना भी ठीक ही है, उसमें भी कोई, वो भी प्रमा रूप है, उधर प्रमा नहीं है पर स्मरण है, स्मरण हो रहा है स्मरणात्मक, तो उसको अगर ठीक है स्मरण हो रहा है तो उसको प्रमा कहेंगे, भ्रांति नहीं है। तो दोनों अगर ठीक है होते हुए भी क्या हो गया, तो अय रूप प्रमात्र दोषेण तिमिर रूप प्रमाण दोषेण च मम ज्ञानद्वयम् अभूत, तत्र एकम रज्जु सामान्य अंश प्रत्यक्षम सर्पस्मरण रूप ज्ञानम अपरम इति विवेकः पुरुषस्य न उत्पद्यते। तो इसमें तो गलती कहाँ हो गई, अगर दोनों ठीक है तो भ्रम तो नहीं है, इसलिए आख्याति है। तो अगर दो प्रमा रूप ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं, एक स्मरण है और एक प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है अयम अंश का, तो ये इसमें तो गलत क्या है। तो आख्याति मत वाला कहता है कि क्या है, देखिए दोनों ठीक ही है ज्ञान, भिन्न भिन्न ज्ञान ठीक है, पर क्या हो रहा है उससे भय उत्पन्न हो रहा है, इसको स्मरण हो रहा है और सर्प के स्मरण के साथ सामने अयम अंश में भय हो रहा है। तो कहते हैं भय रूप प्रमात्र दोषेण, प्रमाता में भय का दोष है, ज्ञान में कोई दोष नहीं है। वो कह रहे कि ज्ञान तो ठीक हो रहा है, दो ज्ञान ठीक हो रहे हैं, अभी प्रमाता में क्या दोष है, उसमें भय का दोष है। सर्प में तभी तो भय हुआ था, उसका भी स्मरण होगा, सर्प स्मरण हो गया तो भय लग रहा है, इसको भीति हो रही है। और तिमिर रूप प्रमाण दोष है नच, और इंद्रियों में कुछ दोष है, तिमिर दोष है, तो प्रमाण में दोष है और प्रमाता में दोष में, पर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है प्रमा उसमें कोई दोष नहीं है, कहते इसीलिए आख्याति। मम ज्ञान द्वयम् अभूत, दो ठीक से ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं मुझे, मुझमें दोष है और इंद्रियों में दोष है, ऐसे वो नहीं समझता, इसीलिए क्या होता है, तत्र एकम रज्जु सामान्य अंश प्रत्यक्षम सर्पस्मरण रूप ज्ञानम अपरमिति। ऐसे दो जो भिन्न भिन्न ज्ञान है उसमें भेद ही उसे समझ में नहीं आ रहा कि अयम अंश रज्जु में जो अयम अंश है और सर्प का जो स्मरण में हो रहा है, एक प्रत्यक्ष है एक स्मरण रूप है, ये दो ज्ञान है, ऐसे विवेक उसको नहीं हो रहा है। विवेक पुरुषस्य न उत्पद्यते, उसको उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे। तो इसीलिए क्या कि एक ही ज्ञान समझकर दोनों ज्ञान का मिश्रण कर रहा है ये प्रमाता, क्योंकि प्रमाता में दोष है ज्ञान में दोष नहीं है। एच ज्ञानद्वय अविवेक एव भ्रम इति सांख्या प्रभाकरश्च वदन्ति। और यो क्या कहते हैं, इसका जो मिश्रण हो रहा है कि दोनों में भिन्नता नहीं समझ में आ रही, प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मरणात्मक ज्ञान स्मृति जो है ये भिन्न है, दोनों ठीक है पर दोनों भिन्न है, ये समझ ना आना, इसी को भ्रम कहते हैं वो सांख्या और प्रभाकर। भ्रमोत्पत्ति स्थले च सर्वत्र एवं एव बोध्यम इति च आहु। और वो क्या कहते हैं, जहां जहां भ्रम है सब जगह इसी प्रक्रिया को समझिए, ऐसे वे कहते हैं। एवं रज्ज्वादौ सर्पादि भ्रमोत्पत्ति विषये मत चतुष्टयम् पूर्वोक्त प्रकारेण श्रूयते। तो जैसे रज्जु में सर्प का अगर भ्रम हो रहा है या शुक्तिका में रजत का भ्रम हो रहा है, तो भ्रम उत्पत्ति के विषय में उसमें मत चतुष्टय में से चार मत है, पूर्वोक्त प्रकारेण श्रूयते, जैसे पहले कहा वैसे तत्व दृष्टि प्रकट कर रहा है कि इतना मुझे पता है। इसमें से प्रपंच जो ब्रह्म में प्रतीत हो रहा है वो इन चारों में से कौन सा है, कौन सा, कौन सी ख्याति से हो रहा है, ऐसे पूर्वोक्त
पूछने की इच्छा रख रहा है, तो उस पर एक टिप्पण दे रहा है। इसका टिप्पण अगर इसके बाद देखें, तत्र भवद अभिमतम उत्तमम मतम यत, तो जो आपका जो उत्तम मत आप जो समझते हैं इन चारों में, गुरु आप गुरुजी आप जो समझते हैं, तद भवद उपदेशाद विजिज्ञासे, वो जानने की इच्छा रख रहा हूं कि आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं इन चारों ख्यातियों में, और वो समझाइए। इति तत्वदृष्टि पृच्छति, ऐसे तत्वदृष्टि पूछता है। तो इसमें चार मत है, उसमें और कहते हैं कि विशिष्ट अद्वैती जो है उनका और एक मत है, विशिष्ट अद्वैत है या द्वैतियों का भी मत है, तो भिन्न भिन्न मत है। अभी उसी को क्या है कि जो चार मत कहे हैं उसी में कुछ तो तोड़ मोड़ के मिश्रण कर कर और एक मत बना दिया इन्होंने, तो वो कहते हैं पूर्वोक्त मत चतुष्टय अतिरिक्तम सत्ख्याति इति पंचमम पूर्व पक्षी मतम अस्ति। तो पांचवी ख्याति क्या कही हमने श्लोक में, हमने देखा कि पांचवी ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति जो सिद्धांत है, किंतु क्या कहते हैं कि उसके बाद अन्यथा ख्याति के कहने के बाद कुछ क्या है कि वो भी अपने आप को वेदांती मानते हैं, जो है नहीं वस्तुता। हम देखा था कि वेदांती हो नहीं सकते क्योंकि वेद का जो अंत है निश्चय है उपनिषद, उपनिषद का जो तात्पर्य उस पर उसको प्रमाण मानकर नहीं चलते, वो पुराण इत्यादि को प्रमाण मानकर उपनिषद में ही शब्द जोड़ देते, या तो व्याकरण के सूत्रों को छोड़कर निरुक्त इत्यादि लेकर शब्द को तोड़ते हैं, शब्द की व्युत्पत्ति भिन्न रीति से बताते हैं। जैसे या देखिए तत्त्वमसि में वो क्या करते हैं, तत्त्वम तत्त्वम और असि ऐसे तीन पद मानते ही नहीं है। जो माधु है द्वैती वो क्या कहते हैं कि तत्त्वमसि में दो पद है, तत्त्वम और असि, तत्त्वम समास है, और क्या समास है वो क्या कहते हैं कि भिन्न भिन्न समास है कि तेन त्वमसि, उस भगवान तेन ईश्वरेण त्वमसि, तुम उस ईश्वर से हो। फिर क्या कहते हैं तस्मै त्वमसि, उस ईश्वर के लिए तुम हो। फिर क्या कहते हैं तस्मात् त्वमसि, उस ईश्वर के हेतु तुम हो। तस्य त्वमसि, उसके तुम हो, दास हो। तस्मिन् विशिष्ट अद्वैती भी कह सकते हैं, तस्मिन् त्वमसि, उसमें तुम हो, उस ईश्वर में तुम एक छोटा अंश हो। तो ऐसे जब समझ में आ सकता है तब तत्त्वमसि ऐसे श्रुति क्यों कहेगी। वो कहते हैं कि तीन पद वो तुम हो करके कहीं नहीं कहा गया, ये कहते हैं। और क्या कहते हैं, पहले ओकार आता है उसको, तो क्या कहते हैं कि अतत्त्वमसि, इसीलिए क्या है कि अतत्त्वमसि, अगर आपको तीन पद बनाना है तो क्या है अतत्त्वम असि, तुम ईश्वर अनीश्वर हो, तुम अनीश्वर हो, तुम ईश्वर नहीं हो। तो इसे कि इसको क्या प्रमाण नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है कि ज्ञात ही है, ये शास्त्र से ज्ञात है, शास्त्र उसके लिए श्रुति का वाक्य नहीं चाहिए। मैं ईश्वर नहीं हूं ये मुझे पहले से पता है, सब किसी को भी पूछ लो आप सभी कहते हैं, इसमें कोई श्रुति प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि जो भिन्न प्रमाण से ज्ञात होता है उसमें श्रुति प्रमाण है ही नहीं। कोई भी प्रमाण क्या है कि प्रमाण कैसे मानते हैं कि क्या है कि प्रमाकरणम प्रमाण, प्रमा का जो करण है उसको प्रमाण मानेंगे, अगर कोई भिन्न उसके लिए करण है तो श्रुति प्रमाण नहीं हो सकती, श्रुति करण नहीं हो सकती उसके लिए। तो ऐसे क्या है कि ऐसे वो सत्ख्याति करके रच, तो कैसे समझाते, तो सत्ख्याति में भ्रम जो हो रहा है आप भ्रम कह रहे हो सत्ख्याति से समझाते हो। ऐसे पंचम ख्याति, पंचम पूर्व पक्षी मतम अस्ति, ये सिद्धांत नहीं है, पूर्व पक्षी का मत है सत्ख्याति। क्या है वो तन्मत रीत्या, थोड़ा समझा रहे, इसका दोष नहीं दिखलाएंगे, दोष तो स्वयं ही दिख जाता है अगर विज्ञान पढ़ा है तो, समझ में भी आता है और लगता है ठीक भी नहीं है। चलो ठीक, तो क्या कहते हैं कि तन्मत रीत्या उस मत सत्याति के मत में क्या है, शुक्तौ शुक्त अवयवे ही सह रजत अवयव अपि सदा वर्तते। तो क्या कहते हैं, देखिए शुक्तिका में शुक्ति के अवयव है, भाग है, अवयव माने भाग, तो शुक्तिका में शुक्तिका के भाग है। शुक्तिका को तोड़ेंगे, किसी भी वस्तु को तोड़ेंगे
उसको फिर तोड़ेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, ऐसे करते करते अगर घट को तोड़ेंगे तो घट के दो भाग बन गए, फिर चार बन गए, फिर आठ बन गए, ऐसे करते करते फिर तोड़ नहीं सकते। जैसे कागज है, कागज को बड़ा कागज है अगर आप, तो कहते हैं कि कुछ तो इसे 7 8 बार कर सकते, उससे अधिक नहीं कर सकते, कि उसको फाड़ दिया, जोड़ दिया, दो को चार कर दिया, ऐसे फाड़ते जाएंगे, उसके बाद इतना मोटा हो जाए तो हाथ से नहीं फटता। तो वैसे ही हाथ से कुछ तोड़ सकते, फिर यंत्र लेकर तोड़ेंगे, तो तोड़ते 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 चूर्ण नहीं बना रहे, तो कहते कि चूर्ण भी बना दिया तो उसका भी भाग हो सकता है, हाथ से चूर्ण नहीं हो सकता है, आपने यंत्र से बना दिया उससे भी। तो ऐसे करते करते परमाणु रूप जैसे तार्किक कहते हैं, वैसे ही देखिए कि घटक का जो घट से और मिट्टी बन रही है, आप कहते हैं तोड़ तोड़ कर मिट्टी बना देंगे चूर्ण कर कर, उसके भी भाग हो सकते हैं जो आंखों से नहीं दिखते। तो ये क्या कहते हैं, वैसे ही मानते हैं कि शुक्तिका में जैसे शुक्ति के अवयव है, रजत अवयव भी सदा वर्तते, उसमें रजत का अवयव ही है। तो कहते हैं सभी में सबका अवयव है। जैसे विज्ञानी क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहेंगे, भिन्न भिन्न मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर तो एक है, एटम तो एक वैसे ही है। जैसे परमाणु जुड़कर भिन्न भिन्न बन जाते हैं, तार्किक कहते हैं या विज्ञानी कहते हैं, परमाणु जुड़कर भिन्न भिन्न पदार्थ बन जाते हैं, तार्किक और वैशेषिक क्या कहते हैं, उसमें भी परमाणु में भेद है। वो क्या कहते हैं कि पृथ्वी का जो परमाणु है और जो जल का परमाणु है वो दोनों एक नहीं है, उसमें विशेष है, इसलिए वैशेषिक कहते हैं उनको, कि जब भी प्रलय हो जाता है तभी भी ये परमाणु अवस्था में प्रपंच जो रहता है वो परमाणु भिन्न कैसे रहते हैं, क्योंकि उसमें विशेष है, ये पृथ्वी का परमाणु है ये जल का। पर वैज्ञानिक तो ऐसे नहीं मानते, वो तो कहेंगे कि एटम सब एक ही है, पर जब भी जुड़ जाते हैं तभी भिन्न भिन्न बन जाते हैं, या सब एटॉमिक ले लिए, कहीं तो भेद है। पर उससे नीचे जाएंगे, उससे भी कम स्तर पर जाएंगे, तब आप भेद नहीं देखते। तो क्या कह रहे हैं कि जुड़कर जैसे विज्ञानी, विज्ञान दृष्टि से समझा रहा हूं कि जुड़कर जैसे कुछ भिन्न पदार्थ बन जाता है, जोड़कर कुछ भिन्न बन जाता है, वैसे ही हर किसी में हर इसी का अवयव है, ऐसे कहते हैं। शुक्तौ शुक्ति अवयव ही सह रजत अवयव अपि सदा वर्तते, उसमें सोना भी है रजत भी है, सब ऐसे कहेंगे, जो दिख रहा है वो सब है उसमें, उसका भाग है अंश तक क्या हो रहा है। तो कहते हैं शुक्ति अवयव वद रजत अवयव अपि सत्यः न मिथ्या। तो जैसे शुक्तिका में शुक्तिका के अवयव भाग सत्य है, वैसे ही उसमें रजत के अवयव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। तो इसीलिए जो दर्शन अगर रजत का हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है उसमें, उसका उसके अंश दिख रहे हैं उसको, तो न मिथ्या। यथा शुक्तौ दुष्ट नेत्र इंद्रिय संप्रयोग वशात सिद्धांते अविद्या परिणाम रूप अनिर्वचनीय रजतम तत्काले जायते। तो ये क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय ख्याति के बाद आया है। तो कहते हैं कि आप अनिर्वचनीय ख्याति में क्या कहते हो, देखिए जिस समय पर रज्जु में नहीं शुक्तिका में रजत का भ्रम हो रहा है, तभी आप कैसे समझाते हो, आप सिद्धांती क्या समझाते हो कि शुक्ति में दुष्ट नेत्र के कारण, दुष्ट नेत्र जो इंद्रिय है उसके साथ जुड़ने के बाद विषय क्या प्रतीत हो रहा है, सिद्धांत, जैसे सिद्धांत में जो परम सिद्धांत आपका अद्वैत सिद्धांत, उसमें क्या अविद्या परिणाम रूप, अविद्या का परिणाम होकर क्या हो रहा है, अविद्या क्या है वहां पे उपादान कारण है, और अविद्या का परिणाम क्या हो जाता है, अनिर्वचनीय रजत, रजत जो ना सत कह सकते ना असत कह सकते, उसको अनिर्वचनीय कहेंगे, ना सत है ना असत है, सत होता तो कभी जाएगा नहीं, पर जब भी शुक्ति का दर्शन हो जाता है, ज्ञान होता है, तभी रजत का दर्शन नहीं होता, इसीलिए सत नहीं है। असत क्यों नहीं है, असत होता तो वंद्यापुत्र जैसे कभी भी दर्शन नहीं होता, पर रजत की प्रतीति हो रही, इसलिए असत भी नहीं है। तो क्या है, सद असत भिन्न है, कुछ सद भिन्न है असत भिन्न है, उसको अनिर्वचनीय कहेंगे। और वो क्या होता है, तत्काले जायते, वहां पे शुक्ति का जहां दिख रही है वहां रजत की उत्पत्ति हो रही है, ना सद उत्पत्ति है ना असद उत्पत्ति है, पर जब तक भ्रम है तब तक मानना पड़ेगा कि उत्पन्न रजत है, अनिर्वचनीय रूप है उसका, तथा वैसे ही कहते हैं तो हम भी कहते हैं तथा अत्र मते, इस मत में क्या है, अस्मिन मते सत्ख्याति मते, कहते हैं क्या होता है, दुष्ट नेत्र इंद्रिय संप्रयोग वशात रजत अवयवेभ्यः
सत्य रजतम अपि शुक्तौ जायते, तो कहते हैं अनिर्वचन ये नहीं, इसमें तो सत्य रजत की उत्पत्ति हो गई। कभी हो गई? उस समय पर हो गई जब तक दिख रहा है। तो वो कहते हैं कि उसमें अंश है रजत का, तो रजत के अंश जुड़कर रजत की प्रतीति दे रहे हैं। सिद्धांते अधिष्ठान साक्षात्कारात् अनिर्वचनीय रजत निवृत्तिवत अत्र मते शुक्ति ज्ञानात् सत्य रजतम अपि स्व अवयवेषु लीयते इति वदन्ति। तो इसका फिर जब ही रजत दिख रहा है तब तक तो ठीक है, आपने कहा कि रजत की उत्पत्ति हो गई है, रजत जुड़कर, रजत के अवयव जुड़कर रजत बन गए। तो जब ही नहीं दिखता है, शुक्ति का दिखती है, तब क्या होगा? आगे चलकर जब शुक्ति का दर्शन हो गए तो सिद्धांत में हम क्या कहेंगे, अधिष्ठान जो है शुक्ति का में जो अयम अंश है, सिद्धांते अधिष्ठान साक्षात्कारा, तो अधिष्ठान का जो विशेष अंश है उसका जब ही ज्ञान हो गया तब क्या हो गया, अरे ये तो शुक्ति का है, ऐसे ही होगा। तो अनिर्वचनीय रजत जो है जिसकी उत्पत्ति हम मान रहे थे वो क्या हो जाए, उसकी निवृत्ति हो जाती है, तभी वो नहीं रहता। वैसे ही क्या हो जाएगा कि अत्र मते अस्मिन मते सत्य जो सत्ख्याति है उस मत में क्या हो जाए, शुक्ति ज्ञान से अधिष्ठान ज्ञान, जो आप अधिष्ठान मानते हो हम शुक्ति ही मानते हैं, तो शुक्ति के ज्ञान से क्या हो जाए, सत्य रजतम अपि, जो सत्य रजत अब तक भान हो रहा है उसका क्या हो जाएगा, स्व अवयवेषु लीयते, वो अपने अवयव में ही लीन हो जाता है, रजत रजत के अवयव में लीन हो जाता है, इसलिए उसकी प्रतीति नहीं होती, इति वदन्ति ऐसे कहते हैं। इदमपि मतम हेयमेव, ये भी मत ठीक नहीं है। क्यों? तो इसके लिए जो क्या है कि ये नहीं बतला रहे कि कहते कि इसका तो खंडन समय लगेगा बहुत और थोड़ा क्लिष्ट है। कहते शुक्ति रजत दृष्टांतेन ही प्रपंच मिथ्यात्व अनुमितिर जायते, तो कहते हैं शुक्ति रजत दृष्टांतेन, शुक्ति में रजत की जो प्रतीति हो रही है उसके दृष्टांत से क्या है कि प्रपंच मिथ्यात्व अनुमीयत, प्रपंच मिथ्यात्व की अनुमिति जायते, अनुमान लगाते हैं दार्ष्टांतिक में, पर अगर ये सत्य होगा तो प्रपंच मिथ्या नहीं होगा, मुक्ति असंभव हो जाएगी। अगर प्रपंच सत्य है तो श्रुति विरोध हो जाएगा, क्योंकि श्रुति कहती है अद्वैत है, द्वैत है नहीं, तो ये द्वैत सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए क्या कहते हैं, संक्षेप में कह देते इसीलिए ठीक नहीं है, उसका खंडन जो तर्क से करेंगे वो नहीं बतला यहाँ पे। सत्ख्यातिवादे तु शुक्ति रजतस्य सत्यत्वात् तद्दृष्टांतेन न प्रपंच मिथ्यात्वं साधयितुं शक्यते, तो अगर रजत सत्य ही है क्योंकि उसके अवयव सत्य है तो प्रपंच मिथ्या नहीं सिद्ध कर सकते। एतन मत खंडन पर युक्ति, क्या कहते हैं, एतन मत खंडन पर, इसके मत के ऐसे मत का खंडन करने के जो युक्ति है वो पर युक्ति युक्त्यंत अंतराणी, तो अन्य भिन्न भिन्न जो युक्तियां हैं जिससे इस मत के खंडन, इस मत के खंडन के पर जो युक्तियां हैं वो युक्तियां जो भिन्न है, पहले जो समझा उन युक्तियों से भिन्न है। बालानाम दुर्बोधत्वात् नेह लिख्यन्ते, यहाँ पे अभी तो शुरुआत है इसीलिए अभी यहाँ पे नहीं बतला रहे, आगे बतलाएंगे या इसका खंडन करते हैं आगे कहीं जहां तक मुझे स्मरण है। पर ये समझिए कि देखिए अंश जो है इतना हम समझ सकते हैं, इसमें खंडन देख लेते हैं क्या है कि ऐसा दुर्बोध नहीं है, नहीं होगा क्या, हम क्या कहेंगे, सामान्य रूप से इसका खंडन हो गया क्योंकि श्रुति के विरोध है, पहले तो हम वही कहेंगे श्रुति से विरोध है। पर अगर तर्क लगाना है तो कहेंगे ठीक है, क्यों ऐसे भान हो रहा है कि रजत का ही भान हो रहा है, क्यों सोने का नहीं हो रहा, सोने का अंश भी है क्या, और अगर सत्य जुड़ गया है तो, अगर सत्य है तो उसका उसका भान केवल एक को क्यों हो रहा है, दूसरे को क्यों नहीं हो रहा है, ये इसका खंडन है। तो इसीलिए क्या है कि जहां पे, पर ये प्रश्न सिद्धांती पर भी उठेगा वो हम बाद में देखेंगे जब ही वो मत आता है, तो अभी इसीलिए इसका उत्तर क्या देंगे, तो इसमें कौन सा मत ठीक है, तो उस पर कहते हैं अख्याति मत खंडनम, अख्याति मत का खंडन करते, भय पलायन आदि अनुपपत्या रज्जो सर्प अनुभव वाच्य, तो गुरु क्या कहते हैं कि ये चारों ठीक नहीं है। कहते हैं भय भय हो रहा है सर्प से और सर्प है नहीं, पलायन हो रहा है भाग रहा है, ये जहां पे रज्जु है वहां से भाग रहा है, तो ये ऐसे सब जो है इसकी अनुपपत्ति के कारण, माने भय के बिना पलायन नहीं होगा और भय स्मरणात्मक नहीं है वहां पे, इसीलिए क्या हो गया अख्याति ठीक नहीं, कि भय स्मरण तो नहीं हो सकता, भय का स्मरण से कोई भागेगा नहीं। अभी आप देख कहते हैं कि अरे उस दिन कुछ डर लग रहा था मुझे, इसलिए अभी तो नहीं भागते हो आप, तभी मैं
भागी थी करके आपने कह दिया, मैं अरे तब भाग गया था, तब भाग गई थी, अरे डर लग गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, ठीक है। आज उसका स्मरण करके आप यहां से भागते हो क्या? नहीं भागते हो। तो इसीलिए भय पलायन आदि अनुपपत्या रज्जो सर्पानुभव आच, इसीलिए कहां सर्प का अनुभव हो रहा है, स्मरण नहीं हो रहा है, यहां पर सामने सर्प दिख रहा है उससे भाग रहा है, उससे डर लग रहा है, इसीलिए क्या है कि सामने दिख रहा है कहना पड़ेगा, तो रज्जू की जगह दिख रहा है, रज्जू में सर्प का अनुभव हो रहा है करना पड़े कहना पड़ेगा, और रज्जू में अयम अंश अगर प्रतीत हो रहा है और स्मरण हो रहा है तो स्मरण से कोई नहीं भागेगा। हे सौम्य, इसीलिए गुरु कह रहे हैं हे सौम्य, भ्रमस्थले असत ख्याति आत्मख्याति अन्यथा ख्याति अख्याति इति एतन मत चतुष्टयम अपि युक्ति विरहितम, चारों में भी युक्ति से सिद्ध नहीं होता, ये चारों नहीं सिद्ध होते भ्रम के स्थल में, इसीलिए चारों का खंडन है, तीसरा ही नहीं, तीनों का नहीं, चौथे का भी खंडन करना चाहिए। तो कहते पूर्वोक्त मत चतुष्टय विलक्षणम अनिर्वचनीय ख्याति नामकम मतांतरमस्ति पंचम, ऐसे पांचवा मत क्या है इन चारों को छोड़कर, अनिर्वचनीय ख्याति है, चारों से भिन्न है, वो पांचवा मत है, पांचवी ख्याति है, तदेव उपादेय, उसी को मानना चाहिए, उसी को लेकर चले, भ्रम समझ में आएगा तब जाकर प्रपंच में मिथ्यात्व तो सिद्धि होगी। पूर्वोक्त असत ख्यात्यादि मतत्रयम न उपादेयम इति अख्यातिवादिना दर्शितम, अख्यातिवादी ने क्या कर दिया सांख्य और प्राभाकर मत में, पहले तीनों में दोष दिखा दिए, हम हमें बहुत प्रसन्न होता होती है, कहते हैं हम मानते हैं वो खंडन ठीक है, पर उनका जो मत है उसका भी खंडन करेंगे। तो कहते हैं अख्याति मतम अपि न उपादन उपादन अर्हति इति प्रदर्श्यते अधुना, अभी अख्याति मत मत का भी सहारा नहीं ले सकते, कहते हैं भ्रम समझने के लिए उसका खंडन करते, दो तीन मिनट है ये समाप्त कर लेते हैं। अख्याति मत रीत्या अयम सर्प इति ज्ञाने अयम इति रज्ज्वात्मक अधिष्ठान सामान्य अंश प्रत्यक्ष ज्ञानम, तो क्या कहते हैं कि अयम अंश जो है रज्जु आत्म का अधिष्ठान, जिसका स्वरूप क्या है रज्जु का विशेष है उसमें, तो रज्जु आत्म का अधिष्ठान जो है, जो अधिष्ठान है सर्प जहां प्रतीति हो रही है वहां पे, सामान्य अंश प्रत्यक्ष ज्ञानम, तो अयम इति रज्ज्वात्मक अधिष्ठान सामान्य अंश प्रत्यक्ष ज्ञानम, प्रत्यक्ष ज्ञानम जो प्रत्यक्ष अयम अंश का प्रत्यक्ष हो रहा है रज्जु में जो अधिष्ठान है, तो वो क्या अख्याति मत में क्या कहते हैं अयम सर्प, हा इसमें अयम जो अंश है वो रज्जु के अधिष्ठान का अंश है, वो तो प्रत्यक्ष से उत्पन्न हुआ, और सर्प जो ज्ञान है दूसरा जो है शब्द अयम सर्प में, सर्प इति तु अन्यत्र पूर्व दृष्ट सर्पस्य स्मरणात्मक ज्ञानम इति स्थिति, वो क्या कहते हैं कि वो स्मरणात्मक है सर्प, वो तो स्मरण उसकी स्मृति हो रही है, ऐसी स्थिति है इनके पक्ष में, तत्र पूर्व दृष्ट सर्प स्मरणम एव अंगीकृत्य पुरोवर्ती रज्जु सर्प ज्ञान अनंगीकारे पुरो अवस्थित रज्जुम दृष्ट्वा पुरुषो भीत्या न पलायित, तो क्या होता अगर ये माने कि ऐसा अगर ठीक माने तो क्या हो जाएगा, तत्र उसमें क्या हो जाएगा, पूर्व दृष्ट जो सर्प है पहले किसी सर्प को देखा था उसका स्मरण हो गया, स्मरणम एव अंगीकृत्य उसी को मानकर, उस स्मरण को मानकर सर्प का स्मरण हो रहा है उसको मानकर, पूर्ववर्ती सामने जो रज्जु है रज्जु सर्प ज्ञान अनंगीकार है, अगर उस स्मरण को मानकर सामने सर्प प्रतीत हो रहा है ऐसे नहीं मानेंगे, सर्प का ज्ञान तो सामने है वैसे उत्पन्न हो रहा है, स्मृति में उत्पन्न हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है, अगर वैसे ना माने कि सामने है ऐसे ना माने और स्मरणात्मक ही माने, तो पुरोवस्थित रज्जुम दृष्ट्वा पुरुष भीत्या न पलायित, तभी वो पुरुष सामने रज्जु को देखकर नहीं भागता कि यहाँ कुछ तो है करके नहीं भागता, पर भागता है रज्जुम दृष्ट्वा पुरुष पलायते इति तो सर्वजनीनम, पर सर्प को देख देख रहा है ये, रज्जू को देख रहा है पर सर्प दिख रहा है, रज्जू को देखकर भाग रहा है, ये तो अनुभव सिद्ध है, सब सबको अनुभव सिद्ध है, तो इसीलिए क्या कहते तस्मात पुरोवस्थित रज्ज्वामेव सर्प प्रत्यक्षतया भासते इति न तो पूर्व दृष्ट सर्प स्मरण मात्रम इति च वाच्यम, इसीलिए आपको क्या कहना पड़ेगा कि स्मरणात्मक केवल नहीं है, सामने दिख रहा है ये मानना पड़ेगा, दोनों मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि तस्मात पुरोवस्थित रज्ज्वामेव सर्प प्रत्यक्षतया भासते इति, कि रज्जु में ही सर्प दिख रहा है ऐसे सामने जो है वो मानना पड़ेगा एक, और दूसरा के कि न तु पूर्व दृष्ट सर्प स्मरण मात्र इति च,
वाच्यम्। और केवल स्मरण नहीं हो रहा ऐसे भी मानना पड़ेगा आपको, अन्यथा नहीं तो क्या होगा, अन्यथा रज्जो सर्पज्ञान अभावेन पुरुषस्य पलायनादि न उपपद्यत, नहीं तो वहां से जिसको सर्प का अनुभव हो रहा है वो नहीं भागेगा, रज्जु देखकर नहीं भागेगा, वो तो सर्प देखकर भाग रहा है। इसीलिए क्या है कि सामने सर्प दिख रहा है, केवल उसको स्मृति रूप में सर्प आ रहा है ऐसा नहीं कह सकते आप। तो उसके बाद और खंडन करेंगे, बाध ज्ञान बलादपि रज्जु सर्पानुभव वाच्या, ये क्योंकि उसका बाध भी हो जाता है, स्मरण का बाध नहीं हो रहा है वहां पे, उसको जो प्रत्यक्ष दिख रहा है सर्प उसका बाध हो रहा है, उसको तो प्रत्यक्ष मानकर चल रहा है वो, तो बाध होता है, स्मरण का बाध नहीं हो रहा है। वो ऐसे नहीं कह रहा अरे स्मरण आ रहा था, अरे अभी उसको ऐसे लग रहा है कि वो स्मरण तो ठीक था पर यहाँ पे मैंने उसको जोड़ दिया, ऐसा अनुभव नहीं होता। तो बाध काल में क्या अनुभव होता है, अरे सर्प दिख रहा था वो सर्प था ही नहीं, पर सर्प स्मरण आ रहा था और मैंने यहां समझ लिया, ऐसे कोई नहीं कहता, किसी का अनुभव नहीं है। इसीलिए बाद काल को लेकर भी ये मत ठीक नहीं है, ये अगले पाठ में देखेंगे। तो प्रश्न था पिछला रिकॉर्डिंग देख लीजिए विजया जी, अख्याति इति मतम इत्युक्ते किम महोदय, ये तो अभी अख्याति बताया, अब आज वही देखा है, फिर भी अख्याति क्या है, ख्याति नहीं है, यही समझाया कि एक स्मरणात्मक है और अख्याति माने न ख्याति थी अख्याति कि है ही नहीं, दोष है ही नहीं, दोष दो ज्ञान उत्पन्न हो रहे, दोनों ज्ञान ठीक है, इसीलिए ख्याति नहीं है उसमें, इसको अख्याति कहेंगे, नञ सत्पुरुष है, न ख्याति करके कह सकते हैं, या इसमें भी कह सकते हैं बहुरी में ख्याति न विद्यते यस्मिन, ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों में अर्थ एक ही निकलेगा, ख्याति है नहीं करके कहेंगे, या जिसमें ख्याति नहीं है, जिस मत में ख्याति नहीं है उसको भी, ऐसे भी दोनों बहुरी से भी समझा सकते हैं, तो व्याकरण में दोनों सिद्ध हो जाएंगे। किंतु ये जो है कि अख्याति में ये दोष नहीं है करके कह रहे, ख्याति का अर्थ ज्ञान मैंने पहले भी बताया था, किंतु रूढ़ी अर्थ क्या है कि ब्रह्मस्थल में जो भ्रांति रूप ज्ञान मानते हैं उसको ख्याति करके कहते हैं, और सांख्य और प्राभाकर मत में क्या कह रहे हैं कि ख्याति है ही नहीं, यहाँ पे कुछ कहने जैसे ख्याति है ही नहीं, दोनों माने ज्ञान में दोष नहीं है, ज्ञान दो ठीक उत्पन्न हो रहा है पर प्रमाता में दोष है और प्रमाण में दोष है करके कर रहे हैं, ना प्रमेय में दोष है और ना ही प्रमा में दोष है, ऐसे जो मत है उसको अख्याति कहते हैं। अगले पाठ में 145 देखेंगे, सुखम नित्यम सुप्रकाशम व्यापक नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्द्रव्यत्वम पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक् परम तदेव अन्नमत्वो निश्चितामति। नमस्ते, धन्यवाद। अगर ख्याति का अगर नहीं देखा है तो पहले मैंने समझाया है, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि मोटा मोटा पहले समझाया मैंने, उसके बाद यहाँ पे जो विशेष आगे विस्तार किया है वो समझने के लिए पहले एक बार चारों पांचों मत जो है वो बतला है, वो देख लीजिए एक बार, पिछले पार्ट के रिकॉर्डिंग में होगा उसके, वो एक बार देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो, और अगर नहीं समझ में आया फिर भी एक बार देख लीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।